नमस्कार साथियों, आज की यात्रा श्री नागनीचा माता धाम की यात्रा है। ये जो आप नेशनल हाईवे देख रहे हैं, बाड़मेर से जोधपुर रूट की यात्रा करते हैं तब आपको इस नेशनल हाईवे से गुजरना पड़ सकता है। और इस नेशनल हाईवे के दोनों साइड रेतीले टीले और कंटीली झाड़ियाँ आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। करीब 180 किलोमीटर और 3 घंटे के सफ़र के बाद हम श्री नागनीचे माता धाम के मुख्य द्वार पहुंच चुके थे। और मुख्य द्वार से जब अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तब एक सीधी रोड आपको मंदिर की तरफ ले जाती है। और इस रोड के दाएं तरफ आपको बहुत सारी शॉप देखने को मिलेगी और इन शॉपों पर माता जी के लिए प्रसादी और अन्य सामग्रियां, आपको बच्चों के लिए खिलौने, वो सब मिलेंगे। और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये श्री नागनीचे माता जी का मंदिर है। और माता जी का मंदिर बहुत ही सुंदर और भव्य है और इसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है। और माता जी के मंदिर में जो पत्थर लगा हुआ है वो संगमरमर का है। ये पत्थर मकराना का प्रसिद्ध पत्थर है। और मकराना के प्रसिद्ध पत्थर की खासियत यह है कि इसके पत्थर से जो भी इमारतों का निर्माण हुआ है वो कई वर्षों तक बनी हुई है, की तलट्टी में बना हुआ है। और जब आप मंदिर से बाहर का व्यू देखते हैं तो बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। और चारों तरफ जो जमीन है वो माता जी के ओरण के नाम से जानी जाती है, जहाँ पर पशु पक्षी चरते हैं। और मंदिर के दाईं तरफ आपको श्री बाबूजी राठौड़ का मंदिर देखने को मिलेगा। जब आप माता जी के दर्शन करने के बाद वापस लौटते हैं तब आपको दाईं तरफ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था है। आप अपनी इच्छा अनुसार टिकट कटवा कर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। भोजनालय में बेंच पर बैठकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं और आप नीचे बैठकर भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा हॉल है और सबके लिए बैठने की अलग अलग व्यवस्था है, जहाँ महिलाएं पुरुष अलग अलग बैठकर भी भोजन कर सकते हैं। भोजन में दाल, चावल, सब्जी और चपाती आपको खाने को मिल सकती है। और भोजन ग्रहण करने के बाद आपको ये बाहर का नज़ारा है। इस बार के नज़ारे में आपको ज़्यादातर वृक्ष देखने को मिलेंगे, वो नीम के वृक्ष होंगे। और नीम के वृक्ष की मान्यता है कि वो माता जी का प्रिय वृक्ष है। और राठौड़ राजवंश के लोग जो श्री नागनीचे माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं वो नीम के वृक्ष को कभी जलाते नहीं हैं और काटते नहीं हैं। इसके बाद आपको बहुत सारी शॉप का जिक्र जो मैंने वीडियो में पहले भी किया है वहाँ पर हम गए और वहाँ पर बच्चों के लिए खिलौने और अन्य सामग्री खरीदी, माताजी की मूर्ति खरीदी। और उस मूर्ति खरीदने के बाद हम अपने वापस घर की तरफ रवाना हो चुके थे। और इस यात्रा में बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, माताजी के दर्शन हुए। और ये जो आप नज़ारा देख रहे हैं ये लौटते समय बाड़मेर के अंदर प्रवेश करते हैं तब लाइट का एक नज़ारा है। बहुत ही सुंदर लगता है जब आप पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो पूरा बाड़मेर शहर आपको चमचमाती लाइटों में देखने को मिल सकता है। अगर ये आपको यात्रा अच्छी लगी हो तो आप सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए।